ಮಾಲರವೇದ್ಯುತಮಿಂದು ಕಿರೀಟಾಂ ತುಂಗಕುಚಾಂ ನಯನತ್ರಯಯುಕ್ತಾಂ ಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ವರದಾಂ ಕುಶಪಾಶಾಂ ವೇದಿಕರಾಂ ಪ್ರಭಜೆ ಭುವನೇಶಿಂ भुवनेश्वरी नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव उत्पन्न होगा जब बृहस्पति महाराज वक्री होकर चार महीने के लिए जो मेष राशि में चल रहे हैं वो क्या किस प्रकार के योग बनाएंगे। देखिए कन्या राशि वालों, जिनकी कन्या लग्न है, जिनकी कन्या राशि है, उन सबको समझ लेना चाहिए। जन्म राशि वालों के, कन्या राशि वालों के लिए भी और लग्न राशि वालों के लिए भी ये प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है, उनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें, ये लग्न के अनुसार से बात करें, तो चतुर्थ भाव का स्वामी और साथ साथ सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। और इस वक्त बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। चतुर्थ भाव विशेष तौर पर सुख का भाव, माता का भाव, जायदाद का भाव, और सप्तम भाव जीवनसाथी का भाव, व्यापार का भाव, और कई प्रकार से भाव महत्वपूर्ण भाव रखा जाता है। और ऐसे में बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं इस वक्त गोचर में। और अष्टम के बृहस्पति गोचर में जब चल रहे होते हैं तो आपकी राशि के अनुसार से वो कई प्रकार से जीवन में कई प्रकार के योग बनाते हैं। वो एक तरह से आपकी राशि के अनुसार से जब मार्गी होंगे, राहु के साथ चल रहे हैं, और राहु के साथ चलते चलते पिछले जब बृहस्पति का परिवर्तन हुआ वृश्चिक इसमें मेष राशि में आज से करीब करीब 4-6 महीने पहले, तब जब बृहस्पति का योग बन रहा था तो बृहस्पति यहाँ पर कई प्रकार से अच्छा भी और कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा प्रभाव, नेगेटिव दोनों प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहा था। लेकिन बृहस्पति के साथ राहु होने के कारण से बृहस्पति पूर्ण फल अपना शुभ नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे में बृहस्पति का आने वाले समय में बहुत सुंदर प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से पड़ने के योग बनेंगे जब बृहस्पति पूर्ण शुद्ध होकर पुनः मार्गी होंगे। लेकिन उससे पहले वक्री बृहस्पति यहाँ पर कई प्रकार के विशेष योग बनाने वाले हैं और आपके जीवन में उसको आपको समझ लेना चाहिए किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। बृहस्पति राहु के साथ चल रहे हैं और इसी दौरान करीब करीब 6 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। जब 6 सितंबर को बृहस्पति सुबह 4:27 पर वक्री होंगे तो उस समय में बृहस्पति 21 अंश मेष राशि पर अपना विशेष तौर पर विचरण कर चुके होंगे और उसके बाद उस समय वो साथ साथ भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण पर चल रहे होंगे। और ऐसे में वक्र गति से वापस जब आना शुरू करेंगे तो 31 दिसंबर को करीब करीब 10 अंश पीछे 11 अंश पर पहुंच जाएंगे और उस वक्त अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण पर वो वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे आपकी राशि में इन विशेष स्तर पर, एक बहुत अच्छी बात है, इन 4 महीनों में कई ग्रहों का परिवर्तन और होगा। राहु महाराज जो बृहस्पति के साथ चल रहे हैं और जब से बृहस्पति यहाँ पर मेष राशि में आए तब से राहु बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति महाराज के साथ जब चल रहे हैं तो बृहस्पति का पूर्ण शुभ फल नहीं उपस्थित होने देते थे। तो 31 अक्टूबर को राहु भी वापस आपकी पीछे राशि यानी मीन राशि में चले जाएंगे और उस समय विशेष तौर पे ग्रहों का योगायोग एक तरह से बृहस्पति अशुभ ग्रह के ग्रस्त से बाहर आ जाएगा। और 4 नवंबर को शनि महाराज भी वक्री हो जाए जो मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट ये परिवर्तन इन 3-4 महीनों में होने के योग बन रहे हैं जिसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। ग्रहगण दृष्टिकोण से यदि समझने का हम प्रयास करें तो अष्टम का बृहस्पति जो होता है वो कई प्रकार से जीवन में आपके व्यवहार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग देता है। ऐसे में कई प्रकार से अनमनापन भी बृहस्पति के कारण से जब अष्टम भाव में आता है तो वो उत्पन्न करने के योग देता है। ऐसे में आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बृहस्पति महाराज, देखिए एक तो लग्न आपकी जो है ना वो दुस्वाभाविक लग्न है, ऐसे में यदि आप थोड़ा सा बृहस्पति के लज्ज यानी थोड़ा संकोच भाव मन में ज़्यादा उत्पन्न करता है, ऐसे में संकोच को त्याग कर काम की तरफ प्रवृत्त होने की व्यवस्था आपको बनाने का प्रयास करना। जितने संकोची आप रहेंगे उतने ज़्यादा कष्ट कार्यों में दिक्कत आने के योग बन जाएंगे। तो कोशिश करें सफलता के लिए अपने संकोच को त्याग कर आगे बढ़ने का, आपको पूर्ण तरह से प्रयास करने का, आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ विशेष तौर पर ऋण संबंधित जिनके लोन पास नहीं हो रहे थे उनके लिए बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। उनको धन संबंधित ऋण लोन जो है उनकी फाइल जो सैंक्शन में अटकी हुई थी, कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी, उन सब में भी ये बृहस्पति परिवर्तन करके आगे बढ़ने के योग बनाने के रास्ते बना सकते हैं। यानी ये बृहस्पति जहाँ पर आपके आ रहे हैं
बहुत वक्र स्थिति में जा रहे हैं, ऐसे में लोन संबंधित समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकती है। यानी जिन लोगों को लोन लेना है उनको तो मिल सकता है, लेकिन कुछ लोगों पर व्यर्थ लोन चढ़ाने की व्यवस्था भी बना सकते हैं। तो ऐसे में समझ लीजिए, देखिए बहुत सारे व्यवसायी होते हैं जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए बहुत सारे लोन फाइनेंस को व्यवस्था करने के प्रयास करते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति पर सिर पर उधार चढ़ जाए तो समस्या उत्पन्न करने की योग देता है। लेकिन बृहस्पति का यहाँ पदार्पण जो हो रहा है इस समय वक्र स्थिति में, जब बृहस्पति का योग बनेगा तो ये लोन इत्यादि आपके ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। जो व्यवसायी हैं उनके लिए आगे बढ़ने का कार्यक्रम अच्छा बन सकता है, लेकिन जो साधारण व्यवस्था ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। ऐसे में लोन बहुत जल्दी से आपका पास हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा लोन वापस भी करना पड़ता है, अन्यथा आगे आने वाले समय में कई बार आपकी कीर्ति का हनन करने का योग भी बन जाता है। और एक बात और ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, आपके उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनने के योग, ऐसे में बनने के अच्छे योग दिखाई देते हैं। और विशेष तौर पर आपके लिए आगे जाकर आप एक बात को ध्यान रखना है, ऐसे व्यक्ति जब बृहस्पति यहाँ पर जिस प्रकार का योग बनाता है तो ऐसे में प्रपंच की तरफ व्यक्ति ज़्यादा चला जाता है, यानी जहाँ जितना है नहीं उससे ज़्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयास कर सकता है। और वो व्यक्ति पर जब बृहस्पति अष्टम का बृहस्पति आप पर जाके जुर्माना करा सकता है इस प्रकार का, यानी आप अपने वैभव को वर्चस्व को प्रपंच के द्वारा ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने का समझाने का दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। ये ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे, तो आने वाले 3-4 महीनों में बेकार के दिखावे से बचने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप अपनी चादर को पहचानते हुए अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वो आपके लिए बहुत उपयुक्त दिखाई देता है। लेकिन ये बृहस्पति का पदार्पण जिस प्रकार से हुआ है, वक्री स्थिति में जा रहे हैं बृहस्पति, उसके बाद वापस जब मार्गी होकर इस राशि पर चलेंगे तो आप समझना कई प्रकार से उन्नति का मार्ग भी बहुत सुंदर तरीके से प्रशस्त करेंगे। लेकिन ये 4 महीने थोड़े सावधानी के हैं, 4 महीने में कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करने के योग बृहस्पति महाराज यहाँ बना सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें, क्योंकि शनि महाराज भी यहाँ पर इन दिनों आपके 6ठे भाव में स्वग्रही होकर चल रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य के मामले में कष्ट देने के योग देते हैं। तो स्वास्थ्य का प्रथम सुख निरोगी काया, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। कुछ खास उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करें। यदि हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर पीली बृहस्पति संबंधित चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत सुंदर उपाय रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ जैसे पीली दाल, पूजा पाठ का सामान, और ख़ासतौर पर पूजा पीले लड्डू, बेसन के लड्डू, चने की दाल से बने हुए चीज़ें मंदिर में आप विशेष तौर पर समर्पित करने का प्रयास कीजिए। पीले वस्त्र, भगवान की वेशभूषा के जो पीले वस्त्र होते हैं वो भी आप मंदिर में दान दे सकते हैं। ब्राह्मणों के बैठने के लिए आसन ये दान कर सकते हैं। माला इत्यादि, पुस्तकें इत्यादि, धार्मिक पुस्तकें इत्यादि, इन सबका यदि बृहस्पतिवार के दिन कुछ दिनों में दान करने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। एक उपाय और आपके लिए सुंदर रहेगा, स्वर्ण धारण करना, यथा उचित भाव से कोशिश करें ऐसे में गले में या हाथ में, माला में, अंगूठी में, किसी ना किसी रूप में शुद्ध स्वर्ण धारण करना आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बनाने वाला है। तो ऐसे में अच्छे से आप इन उपायों को कर काम करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए सुंदर योग बनेंगे। धन्यवाद।